अभी मैं कंप्लेन ही करने वाला था सर, अभी कंप्लेन करने वाला ही था, अभी नंबर ही निकाल रहा था सर। इतना वो आवाज कर रहे हैं, इसके लिए उठना पड़ रहा है भाई साहब। आप प्लीज, आप जब शुरू से आए, मैं आपको प्यार से बात कर रहा हूँ। देखिए सब उठ गए, हम लोग सब लोग उठे हुए। उठवाने का बात नहीं, आप शांत रहिए ना सर। अरे टिकट है तो इसका मतलब ट्रेन आपकी हो गई फिर, रेलवे आपका है फिर, सर कानून बना हुआ है ना। चुपचाप रहो ना, ट्रेन में 10 बजे के बाद में आपको बात नहीं करना है। आप लोगों का, आप लोग चाय पी रहे, सो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सर सीट नहीं है ना इनका, मेरे सीट पे बैठा है तो आप लोग चार लोग बैठ कर ऐसा करना। आप लोग स्टूडेंट है सर, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। लाइट चालू करना है यार। ये देखिए पूरा इस तरह के ट्रेन में जो आप लोग को, प्लीज आपको आवाज उठानी है। ये देखिए रात के समय इस तरह के ट्रेन में अगर 10 बजे के बाद रेलवे ने अपने कानून बनाया है तो आपको आवाज उठानी है और सारी चीजों को करनी है। सर 4 बजे बैठकर कौन हा हा हू करता है सबको, आपको भी तकलीफ हो रही है सर। दो बार हमने बोला कि सोने दो। सर आपको भी तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? नींद नींद खुल रही है कि नहीं खुल रही? हो रही है ना सर? गलत है। हम लोग चार लोग जब से बैठे हैं सर, सर तब से पुलिस दो बार आ चुकी है सर, दो बार पुलिस आ चुकी है। सर नहीं, हाँ वो ट्रेन जब चलती है तो आदमी सो रहा क्यों? स्लीपर का पैसा क्यों दिया है? पैसा क्यों दिया है स्लीपर का? तो ऐसे को एक्शन लेना चाहिए, मैं सबको कह रहा हूँ। देखिए रात के समय ऐसे सारी चीजें हो गई है, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है। रात के समय इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दो बार आप सॉरी बोल चुके हैं, इसके पहले भी आप बहसबाजी किए थे, आपको याद होगा। आप स्टूडेंट है यार, आप कल के फ्यूचर हो। कंप्लेंट लिखो ना, मैं दे देता हूँ सर। मैं कंप्लेंट लिख लीजिए आप, कागज मैं देता हूँ। सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, समझ रहे हैं, और मैं इंडियन रेलवे को कवर करता हूँ, डेली न्यूज कवर करता हूँ। आप लोगों की लाइफ बेकार हो जाएगी फिर, मत बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ, आप जो जिस कॉलेज में पढ़ते, जहाँ भी पढ़ते, मैं सच कह रहा हूँ, मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं रेलवे में अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सर आप RPF सर लिखिए, सर कंप्लेंट लिखिए, और सर असर कर, सर मैं सारी धाराएं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी धाराएं लगेगी। आप ये करोगे हमारे साथ? सर मैं करूंगा ना, आपको कितने बार समझाया, आप आते ही मेरे को प्रॉब्लम किए थे सर को, पहले ही बोला था सर, आते ही इन्होंने प्रॉब्लम किया था ट्रेन में। चाय खत्म? कुछ नहीं, चाय वाय नहीं खत्म होगा, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सर लाइए पेन दीजिए, मैं पेन लिखता हूँ, आप सबकी साइन लगेगी सर, मेरे साथ सब लोग हैं, देखिए ये लाइव सारे सबूत है मेरे पास। सर लाइए पेन दीजिए। नहीं 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 सर, अभी नहीं। तुम्हारा नाम बताना भाई, पूरा नाम बताना तुम्हारा। मनीष कुमार सिंह। मनीष कुमार सिंह, नहीं वो तुम्हारी चलाकी नहीं चलेगी भाई। और तुम्हारा नाम बताना भाई, तुम्हारा नाम बताना, तुम्हारा नाम बताना। ओ भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? इनके साथ 1 2 3 देखिए मैं कंप्लेन लिख रहा हूँ रात के टाइम।
ये रात को 4 बजे, देखो ये समय कितना हो रहा है, ये देखिए 3 बजे 4 बजे ये गपशप कर रहे हैं जहाँ पे इतने नींद आती है। देखिए हाँ सब लोग उतने बजे चढ़े जितने बजे आप चढ़े, आधे घंटे आगे पीछे सब चढ़े आगे बंडे। सर आपने ड्रिंक किया हुआ है, सच बोलना? नहीं आपने ड्रिंक किया हुआ, आप आ रहे थे फोन पे बात कर रहे थे, हम लोग पार्टी करके अपने एग्जाम खत्म करके जा रहे हैं, ड्रिंक नहीं किया आप लोगों ने? ड्रिंक किया हुआ स्टूडेंट ऐसे नहीं बात करता। ठीक है कोई बात नहीं, ड्रिंक नहीं किया तो आप लोग इंसान की तरह तो बैठिए, हमने आपको बैठने की जगह दी है। चाय खत्म हो जाएगी सर, आपके सीनियर अधिकारी को बुलाइए, नहीं तो मैं फोन कर रहा हूँ सर, मैं आपके सीनियर अधिकारी को मैं फोन करके बुला रहा हूँ नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है यार, चार आप लोगों की वजह से यूपी बिहार का नाम ऐसे बदनाम होता है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ ऐसे बदनाम होता है भाई साहब हमारे स्टेट का। हाँ मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं हर स्टेट से मेरा प्यार है, पता है आप लोग कोई हर, हाँ मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, इसके लिए स्टेट का नाम यूपी और बिहार का ऐसे बदनाम होता है मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ इसके लिए कह रहा हूँ। हिंदुस्तानी है सर। हैं तो हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करता। आप लोग ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? आप कैसे कर रहे हैं सर, ये गलत सही कर रहे हैं? अब सब बताना है, सब सारे गवाह है। जब से आप बैठे कितनी माँ बहन की गाली दे, कितनी माँ बहन की गाली, मैंने बोला लेडीज बैठी गाली मत दो सर, गालियाँ दे रहे हैं। हाँ आपको कितनी बार क्या बोला आपने? मैं अपने चालक में डिब्बा में रहता तो बढ़िया, मैं इधर आवाज़ में ले जाओ ये उड़न डिस्टर्ब कर आजो इसको सर। माँ बहन की गाली देने होने वाला महिला है, आप लोग चुप हो जाओ, अभी देखो फिर चले जाएंगे 10 मिनट बाद फिर आ जाएंगे। सर लिख रहा हूँ मैं कंप्लेन, शन कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, दे रहे हैं शायद से लोग ट्रेन में ज्यादा बहुत ही ज्यादा सर 4:12 बजे से सर गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ ये देखिए रात के समय पुलिस भी आ चुकी है, RPF सब लोग कर रहे हैं सर, सारे परेशान हैं हम सब। सर दूसरी बार पुलिस आई है, सर दूसरी बार पुलिस आई है, एक बार इनको भगाई थी वापस आए हैं। सर ये तो बाद में चलान बना जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ तब, ये बाद में चलान बना हुआ है इनका, ये परेशान कर रहे हैं मेरी, मेरा कंप्लेन आप रजिस्टर्ड करें। ये देखिए ये इस तरह की रात को पुलिस आई है और इस तरह के ट्रेन में आप सर ये एक्सक्यूज इतना पहले भी हुआ था भैया, माफी की बात नहीं है, यहाँ पे नहीं रहने चाहिए बस, सीधी बात है। ये देखिए सब साइन करेंगे, एक बार नहीं दो बार हो गया ये। सर कंप्लेन लिख रहे हैं सर, आप क्या क्या लिखना बताइए? नहीं नहीं सॉरी सर, दो बार हो चुका है, सिर्फ दूसरी बार पुलिस आई है सर, दूसरी बार पुलिस आई है। सर एक मिनट, क्या क्या लिखना है वो बता देना, सीट नंबर लिखता हूँ, सीट नंबर 29 30। बच्चे छोटे छोटे उठ गए हैं सो गए सो गए।
घंटा पहले करके जाए, 12 बजे अपने पुलिस आई थी ना वापस, ऐसे ही कर रहा था ड्रामेबाज किया, फिर वहां पे चला गया, फिर वापस आया। सर टिकट विकट के खाली वो है, ये खाली है सर, ये सारे लोग जो है सारे ये लोग हैं। एक तो तुरंत सर फटाफट अभी देखो सब सो जाते हैं सर, अभी 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 इकट्ठा हो जाते, एक पीछे खड़ा हुआ है सर। ये देखिए तो ये देखिए हमने कंप्लेन लिखा हुआ है, अब आगे देखते हैं आरपीएफ क्या करता है, रेलवे पुलिस फोर्स क्या करता है। ये मैंने कंप्लेन लिख दिया हुआ है और ये देखिए उनके आधार कार्ड ये चेक कर रहे हैं। यार मेडिकल स्टूडेंट हो यार, ऐसे परेशान करने का लोगों को, हाँ शर्म आ रही है हम मेरे को खुद स्टूडेंट बोलने पर। अरे पेपर एग्जाम स्टूडेंट हो, पढ़ा लिखा, पढ़ा हुआ लिखा इतना इतना सीधे होता है। अरे डिस्कस कर रहा तो आप घर पे जाके करो ना, पब्लिक प्लेस पे आप चार लोग सो रहे, मैं आपके मुंह पे डिस्कस करूं अच्छा लगेगा? डिस्कस कर रहे हैं ये क्या, देश का नाम बर्बाद कर रहे हो? नहीं आप देश का नाम खराब कर रहे हो आप लोग, सच कह रहा हूँ। हम भी यार यूपीएससी के आईएएस हम भी तैयारी करते थे, हम लोग भी जाते थे ट्रेन में डिस्कस कर, ये भी कर सकते अपने परिवार का डिस्कस बैठ कर। तो नहीं करते तो ऐसा करते हैं लोगों को परेशान करके, मतलब दो दो आपने टिकट निकाल लिया, दो दोस्तों को बैठा लिया, हाँ चलो भाई, तो हम लोग तो सोएंगे नहीं, हम लोग तो बस करेंगे ऐसा, चार लोगों को सोने नहीं देंगे, क्योंकि तेरा तो जनरल टिकट है मेरा भी, वही सोचो पुरानी वाली तुम्हारी। सर बैठे मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके पहले बहुत लड़ाई हो चुकी है, एक घंटा सर पुलिस आई थी, एक घंटा फिर गई है, पूछ लो सारे लोग गवाह है। अरे यार पढ़े लिखे हो, तो आते ही गाली गली इतना दे रहे थे आपको, चुप करा मैंने भाई गाली मत दो, उसको भी मैंने चुप कराया कि लेडीज है गाली मत दो। सर अभी आप इन्हें ले जाएंगे, आप यहीं पे टाइम पास कराएंगे या तो फिर सर मैं चेन खींच दूं। तो ये देखिए मैंने कंप्लेन लिखित में किया है, अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है इनके ऊपर है। सभी पंजाब पुलिस भी आई हुई थी अंदर, उनसे भी ये बात हुई थी मेरी, पूछ लिए सब लोग थे, हाँ पूछी ना सारे लोग थे, पंजाब पुलिस आई हुई थी सर, इनको समझाया सुधा, हाँ डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया तो ये लोग वापस आ गए यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने कंप्लेन लिख दिया, मैं इसे अपलोड करूंगा, और ये दो जो हमारे सामने भाई साहब हैं पुलिस वाले, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। सर क्या क्या लिखना है सारा बोल दीजिए, मैं लिख दूँ इस पर सारी डिटेल दे दूँ। हाँ अन्य यात्री, आपका नाम बता देना। हाँ अजय कुमार नहीं ना ना तुम्हारी कैरियर क्या, हमारी भी तो कैरियर, मेरे भी कैरियर, मेरे को भी सुबह बहुत काम करना भाई साहब। सर कॉलेज से रेस्टिकेट भाजी, आपका नाम बता देना। मेरा नाम जगजीत है। जगजीत जी, कॉलेज स्टूडेंट ऐसे ही करते होंगे आप लोग, मुझे लगता है वो लास्ट वाले बेंच पे बैठते होंगे सारा, मुझे तो वही लग रहा है, डाउट लग रहा है। और क्या चाहिए सर, सीट नंबर, फोन नंबर, आपका अपना एड्रेस, पीएनआर नंबर, हाँ मोबाइल नंबर, ठीक है पीएनआर नंबर मोबाइल। सर ये मेरे पर्सनल डिटेल क्यों लेंगे ये आपको, क्या मतलब? हाँ मेरा फोन नंबर है, सब कुछ है, सब पीएनआर, ये क्यों लेंगे फोटोकॉपी?
देखिए आप लोगों के सामने इतनी सारी चीजें हो रही है सर, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब मेरे को एक्शन चाहिए नहीं, मेरे वीडियो अपलोड हो गए यूट्यूब पे, फिर मत बोलिएगा आप लोगों को। पीएनआर नंबर बताना, लिखना पीएनआर नंबर लिखना और एड्रेस लिख देना, भरत नगर का लिख देना। ये देखिए आपका नाम बताना एक बार भाई। विक्की, क्या पूरा नाम? विक्की राज। सही नाम है, कैसे फेक नाम बता रहे हो? अच्छा ठीक है विक्की राज है, देख लीजिए ये मेरे फोटो ले रहे हैं, मेरे सारे डिटेल ले रहे हैं। अब आप इन्हें ले जाएंगे सर, अभी नेक्स्ट स्टॉप पे हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ बस पीएनआर नंबर। तो ये देखिए, हाँ एड्रेस लिख दो, मेरा मोबाइल नंबर डाल देना। हाँ एस 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 ई लिख देना, हाँ एस ई वन है, एस ई वन लिख देना, नीचे लिख देना वहीं पे जाकर डिटेल एस ई वन। ये हमारा कल देख लीजिए आप लोग, जो देख बोलते रहते हैं ना हमारा भविष्य, ऐसे लोगों को ही लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्हीं लोगों को फिर ऐसे क्राइम बढ़ता है हमारे ट्रेन में और सब जगह। अभी 138 पे कॉल ही करने जा रहे थे सर, फोन लगाने वाले थे मंत्री ने, तो आरपीएफ नंबर पे भी हम लोग, मैं ट्राई कर रहा था तब तक तो ये आ गए। दो दो टीसी आए हुए थे इन लोगों को ले जाने के लिए, पुलिस आई हुई थी इनको ले जाने के लिए, पंजाब पुलिस। इनको क्या सर, ये बैठे हैं अभी उठेंगे जाएंगे। मजे ले रहे हो आप लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा है लोगों की नींद खराब करके, चेहरे पे तो मुस्कुराहट है। नहीं आप लोगों को मुस्कुराहट, आप लोगों को मजाक लग रहा है, हम तो जगह है चार लोगों को जगाएंगे, यही हमारा यही निकल के सोचे थे। तो ये देखिए इसी तरह से अभी आगे देखता हूँ, ये जो प्रदीप कुमार जी हैं आगे क्या एक्शन लेते हैं आरपीएफ में। और तो अगर एस एस सी की ट्रेन में होते तो प्लीज़ आप इसके विरोध करें और आप इसकी आवाज़ उठाएं। मुझे नहीं पता आगे का क्या है, कैसा क्या सीन होने वाला है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कोई के चेहरे पे नहीं रहता है लोगों के, तो आपके साथ जो भी अगर ट्रेन में अगर कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाएं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे आपके अधिकार में पता चलेंगे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। तो आगे से अकल सीख लो बस आप। तो ये देखिए अभी भाई साहब सारे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैं सबको हम लोग क्या बोले, हाँ सर ने रिक्वेस्ट किया मेरे से, ये जो सर थे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन सबको माफ़ कर दो, क्योंकि इन पे तगड़ा एफ आई आर होने वाला था, क्योंकि केस हो जाता था, क्योंकि इन्होंने जो कानून बना था ये कानून को तोड़ रहा था। ये आपका नाम क्या है? तो आप ट्रेन में मत पिया करो, ठीक है? हाँ आप स्टूडेंट हो, आप ऐसा मत किया करो, आप भी मत किया करो ऐसा, ठीक है? तो ये देखिए ये अभी माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है? तो हाँ तो हम इन्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकतें मत किया करो, ठीक है? आप लोग जो कर रहे थे ट्रेन में ना, ये बहुत गलत था, ठीक है? तो आप लोग थे, हाँ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कर रहे थे, समझ गया था तुम्हारा मूड नहीं सही है, स्टूडेंट हो बात कर रहे हो, सब्जेक्ट की बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा मत किया करो यार। हाँ अभी वो मैं नहीं एफ आई आर करता हूँ, वो एफ आई आर करते, तो फिर आप लोग फिर अच्छे से फिर आप लोग फिर इन्जॉय करना, मैं नहीं करता तो वो खुद ही जाके करते थे, तो आप क्या करते, कोई वो गाली गलौज का लग जाता तो क्या लगता था आपका, कई कितनी धाराएं लगती थी आप पे, थोड़ा सोचो। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो ना। हाँ तो फिर अगर ये वीडियो अगर यूट्यूब पे अपलोड हो गया तो करोड़ों लाखों लोग देखेंगे। अब फिर कौन से कॉलेज में हो आप दिल्ली के? जी एच जी कॉलेज, एस एम एल। तो फिर वही बात है ना, पूरा न्यूज कवर करते हैं भाई हम लोग डेली, ये करते हैं ठीक है, लेकिन ऐसा मत किया करो आप लोग, ये
हम लोग यही मेरा 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 यही काम ही न्यूज़ का, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, आप आपको जब हम लोग डालने वाले थे चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत किया। और वो भी भाई साहब देखो वो भी है वो क्या उनका क्या, अरे नहीं 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 माफ़ी मत मांगी, माफ़ी मत मांगो, उन्होंने क्या किया था, ऐसे मत किया करो ठीक है। चलो तो दोस्तों हम इन्हें माफ़ करते हैं, हम इन्हें माफ़ करते हैं और ये इस तरह की हरकतें ये वापस नहीं करेंगे। शुक्रिया।